बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर जबलपुर से है, जहां पर हैवानियत की हदें पार हो गई जब एक मामला लालगंज थाने आया, जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी देवेंद्र चौधरी ग्वारी घाट निवासी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ संबंध बनाया और रेप की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना की तब जानकारी हुई जब उसका ग्वारी घाट डॉक्टर के पास इलाज कराने के दौरान सामने आया, जिसकी तत्काल 0FI और ग्वारी घाट थाना में पंजीकृत कर उक्त घटना स्थल, जो कि गड़ा फाटक है, थाना लॉर्डगंज में पंजीकृत कर आरोपी की पता साजी कर गिरफ्तारी कर न्यायालय में आरोपी को पेश किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर रतलाम से है, जहां पर जिले के पिपलोदा नगर कोठी पैलेस स्थित बड़े गणपति मंदिर पर क्षेत्र के श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। वहीं राजकुमारी संगमित्रा सिंह द्वारा बताया गया कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा मंगल सिंह द्वारा 125 वर्ष पहले किया गया था। यहाँ पर स्थित भगवान गणेश जी की प्रतिमा 24 फीट ऊंचाई के लिए है। मध्य प्रदेश की बैठक रूप में विराजित प्रतिमा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम पर बप्पा का निरंतर आशीष बना रहता है और समूचा क्षेत्र बप्पा के आशीष की छाव में सुख समृद्धि और सुरक्षित है। इस मंदिर पर सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर गणेश चतुर्थी पर विशेष दिवस पर यहाँ पर आकर श्रद्धालु माथा टेक कर भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मन्नत लेते हैं। इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, देवास, मंदसौर, नीमच, आस पास के लोग आते हैं, मन्नत लेते हैं, पत्रिका चलाने आते हैं। वो सब मनोकामना पूर्ण होने के बाद कोई 1 क्विंटल, कोई 50 किलो लड्डू चढ़ाते हैं। मिठा देखिए तो इसीलिए कहेंगे कि काफ़ी मतलब यहाँ के श्रद्धालुओं की बहुत मनोकामनाएं सिद्ध होती है। हर बुधवार को शाम को यहाँ आरती होती है, खुद श्रद्धालु आते जाते हैं। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है, 24 फीट की मूर्ति है। यहाँ बेरोजगार को नौकरी, विवाह योग के लिए, शादी के लिए जो भी मन्नत करता है उसकी पूरी होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए कार्य होते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो सिद्ध होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर सिवनी से है, जहां पर SP रामजी श्रीवास्तव ने एक्शन मोड में बड़ी कार्रवाई की है। SP रामजी श्रीवास्तव ने कानीवाड़ा थाना प्रभारी अजय मरकाम समेत 5 पुलिस कर्मियों को थाने से हटाने की कार्रवाई की है। हम सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि SP ने जिले के थाना प्रभारियों को बेसिक पुलिस सुधारने के निर्देश दिए हैं और कल SP ने कानीवाड़ा थाने का औचक निरीक्षण भी किया था। पिछले दिनों 3 महीने से लगातार थानों को मूलभूत पुलिसिंग के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं और इस निर्देश ये वायरलेस सेट के माध्यम से, लिखित निर्देशों के माध्यम से के अलावा भी थाना विजिट करके निर्देश दिए जा रहे हैं। कानीवाड़ा थाना के कल 3रे विजिट में ये पाया गया कि उनके यहाँ जो निर्देश दिए जा रहे हैं मूलभूत पुलिसिंग के, उनका पालन नहीं किया जा रहा। मुख्य तौर पर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई है, अपराधों की जो विवेचना है उसके प्रति उदासीनता पाई गई, अपराधियों की चेकिंग और उनकी जो समुचित मॉनिटरिंग होना चाहिए जो पुराने अपराधी हैं उसका अभाव पाया गया। इसी प्रकार से ये पाया कि अपराधों की रोकथाम के संबंध में जो लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी अवहेलना की जाती रही है। इसी कारण से कानीवाड़ा थाना प्रभारी सहित 5 लोगों को लाइन दिया गया।